हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में, दूसरा मेथड जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये एनिमेशन के हेल्प से हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है ना? तो चलिए पहले एक एनिमेशन देखते हैं। देखिए इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए, यहाँ पर ठीक है, ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, यहाँ पर बेसिकली बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है ए, ठीक है, एक कंडक्टर है ए और ये कंडक्टर है बी। इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज है, पहले से चार्ज है, ठीक है। दिस कंडक्टर इज ऑलरेडी चार्ज, ठीक है। ये कंडक्टर पहले से इस कंडक्टर पे चार्ज है और इस कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज नहीं है। अब मैं इस कंडक्टर को इसके पास लाता हूं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही आप इसके पास लाओगे, ठीक है, जैसे ही इस वाले कंडक्टर को इसके पास लाए तो हमें क्या देखने को मिला, टच नहीं कराना है, इंडक्शन में टच नहीं कराना, ठीक है, पास लाना, बहुत क्लोज, ठीक है। कंडक्टर में ये जनरली होता है, बहुत अच्छे से कंडक्टर में इंडक्शन होता है। तो जब मैं इसके पास लाया, इसको इसके पास लाया, तो ये वाला इंड पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये वाला इंड पॉजिटिव हो गया। जितने माइनस वाले आए होंगे उतने ही प्लस वाले आएंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर में जनरेट होता है। तो ओवरऑल पहले इस पर कितना चार्ज था, जीरो। नाउ द स्टील द टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर इज जीरो। नाउ लेटेस्ट इसको आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों हो गया, ये इसमें समझाया जा रहा है कि ये क्यों ऐसा निगेटिव चार्ज हो गया। इसको थ्योरेटिकली मैं समझाऊंगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए होंगे, इस कंडक्टर में जो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन अब इनको दूर कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको पास लाया, ठीक है, इसको पास लाया तो ऐसा हो गया, अगर मैं इसको दूर ले गया, आप देख रहे हो टोटल फिर से टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। तो ये मैं दूर ले गया तो टोटल चार्ज अभी भी जीरो, पहले भी जीरो था, लेकिन अगर मैं इसको पास लाया, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको पास लाया तो इस पर निगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, अर्थिंग से कनेक्ट कर दूँ, तो अर्थ को मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत बड़ा कंडक्टर जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, अर्थ से आए होंगे और ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिए होंगे, ये न्यूट्रल हो गया होगा, अल्टीमेटली इस पर निगेटिव बच गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस पर निगेटिव बच गया, तो ये सही, फाइनली फाइनली ये निगेटिव है और निगेटिव निगेटिव रिपल्सन की वजह से मैं ये हटा लिया, डिसकनेक्ट कर दिया, और डिसकनेक्ट के बाद ये मुझे हमें चार्ज दिखेगा, मतलब फाइनली ये वाला जो बी कंडक्टर है उस पर चार्ज डेवलप हो गया। और सच मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था। आप इसको निगेटिव चार्ज भी देख सकते हो, देखो अगर इस पर निगेटिव चार्ज है, अच्छे से देखो, इसको फील करो, इसको पास लाए, देखो प्लस डेवलप हुआ, ठीक है, इसको 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 पास लाए प्लस डेवलप हो गया। क्यों हुआ भाई, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ होगा, इसी पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसको अर्थ से कनेक्ट किए, पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, अल्टीमेटली ये चार्ज गायब हो गया और फाइनली देखो इसको पास लाओ तो प्लस माइनस, और ये अल्टीमेटली दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करके देखो, ठीक है, देखो दूर ले जाओगे तो अल्टीमेटली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, और इसको प्लस प्लस इधर डेवलप हो गया, अल्टीमेटली ये अर्थ से कनेक्टेड ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ को फ्लो हो गए और यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनली प्लस प्लस दिखने लगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस मेथड को मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ बाय थ्योरेटिकली, चलिए इसको थियरी करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्यों ऐसा। अब इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं कि ये इसका डिफिनेशन क्या होता है। इफ़ ए बॉडी इज ब्रॉड नियर ए अनचार्ज बॉडी, बॉडी क्लोजर टू इट एंड बी, टच नहीं कराना है, ठीक है, क्लोजर टू इट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द अदर साइड बिकेम सिमिलर चार्ज अपोजिटिवली चार्ज, क्यू डैश लेसर या इक्वल टू इंडक्शन, सच मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। ऐसे मेथड को हम इंडक्शन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर एक बॉडी है जिसके पास पहले से कुछ चार्ज है, ठीक है, अब दूसरी बॉडी जब इधर ये जो अनचार्ज है जो काफ़ी दूर है इसके, ठीक है, जब इसके पास लाओगे, ठीक है, टच नहीं कराना, इसके पास लाओगे, ए ए है और ये बी है, तो ये वाला जो इंड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस किया। कैसे परमानेंट भी चार्ज कर देंगे अभी बाद में देखेंगे। इस पे चार्ज कितना था, मान लो इस पे चार्ज क्यू था और इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो क्यू डैश हो, तो इसकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक कांस्टेंट होती है मटेरियल की, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसको इंसुलेटिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस पे क्यू जो डेवलप हुआ वो माइनस क्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन अपन के बराबर होता। हाउ मच चार्ज इज डेवलप बाई इंड्यूस, इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज डेवलप होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो चार्ज है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना। अगर इस पे माइनस 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 है तो जो बगल वाला जो चार्ज है, बगल वाला जो कंडक्टर है उस पे प्लस प्लस ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यू इज इंट्रोड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक मैटर, ठीक है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखोगे, नीट की मतलब कैसे लिखोगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, व्हेन ए बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू ए अनचार्ज बॉडी, ब्रॉट क्लोजर टू ए चार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी डेवलप इंड्यूस चार्ज, ठीक है। विदाउट टचिंग देयर सम चार्ज डेवलप, सच मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन। ऐसे को कितना चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, हाउ मच चार्ज इंट्रोड्यूस, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू अपन ये। इससे आप निकाल सकते हो कि कितना चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि याद रखना है कि जो इंट्रोड्यूस चार्ज होता है, इंड्यूस चार्ज, ठीक है, ये जो क्यू है इंड्यूस चार्ज है, इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू डैश इज लेस देन क्यू, इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू इज ग्रेटर देन क्यू, इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू इज इक्वल टू की। क्या होगा भाई, जो इंट्रोड्यूस चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, क्या वो कम होगा हमेशा, ठीक है। ये सही है, इंट्रोड्यूस चार्ज जो है कभी ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है, और ये इक्वल भी हो सकता मेटल के केस में, किसके मेटल के केस में, मेटल के केस में, क्योंकि मेटल के केस में के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, और सभी नॉन मेटल के केस में के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू एक से कम कभी होती ही नहीं है, ठीक है, तो मेटल के केस में के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती है तो नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल के केस में के की वैल्यू लेस देन वन होती है। तो के की वैल्यू अगर लेस देन वन होती तो ये वाली जो चार्ज है वो हमेशा कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, तो क्यू डैश इज लेस देन क्यू। और मेटल के केस में के इन्फिनिटी होती है, तो जब के इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है कि जो इंट्रोड्यूस चार्ज है सोर्स चार्ज से अधिक हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये सही है, तो ये सही है, इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू डैश इज लेस देन इक्वल टू एक्चुअल चार्ज क्यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो, तो अल्टीमेटली कुछ डाइलेक्ट्रिक, जैसे जो के था एक इंसुलेटिंग कॉन्स्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक है, देख रहे हो, जैसे यहाँ कुछ डाइलेक्ट्रिक मेटल है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, एयर या वैक्यूम के लिए या अप्रोक्सीमेटली एयर के लिए, ठीक है, एयर या वैक्यूम का लगभग वन चलता है, फिर वैक्यूम का एयर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एयर का वन होता है एग्जैक्ट। पैराफिन वैक्स, रबर, ट्रांसफर आयल, ग्लास, ठीक है, तो ये माइका के की वैल्यू सिक्स होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो उनको के की वैल्यू, वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है। चलो, ठीक है, अब अल्टीमेटली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब चार्जिंग एक्सप्लेनेस, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंडक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आए एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन कैसे होगा उसको आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलो, जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, मैंने पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, बहुत दूर लार्जेस्ट डिस्टेंस एक बॉडी है, एक रैंडम शेप की बॉडी है जो न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, रैंडम शेप की बॉडी है। तो जब इस रैंडम शेप की बॉडी और इसको, इन दोनों को पास लाएंगे, देखो यहाँ पे दोनों को पास लाया गया है, दीज टू आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, तो अगर इन दोनों को मैं पास लाया हूँ तो क्या होगा भाई,
इन दोनों को मैं पास लाया, तो पास लाने की वजह से ये प्लस क्यू है, तो इस पे जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी पे, ठीक है, कुछ तो होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले की वजह से अट्रैक्शन फील करेंगे और इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, मूव करेंगे, जिससे ये वाला जो एंड है वो प्लस जनरेट कर देगा और ये वाला एंड निगेटिव जनरेट कर देगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होने लगेगा, इसलिए एक जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो ये इस तरह से आप देखिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग। एक समय ऐसा आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रो, उसको अभी मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हैं, इसको तुम समझ लेना कि कैसे ये जो बॉडी है वो कैसे चार्ज हुई, ये साला मैं लिख दिया हूँ जिसे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है, चलो। ये अब ये मेटल के केस में था, नॉन मेटल के केस में ऐसे इतना आसान नहीं होता है, इंडक्शन जो है इतनी आसानी से नहीं होती है, पर नॉन मेटल के केस में आप देखो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, डाइपोल डेवलप बोलते हैं। तो ये नॉन मेटल के केस में, देखो यहाँ एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पहले से एक चार्ज बॉडी है क्यू, ठीक है, और ये एक बॉडी है नॉन मेटल है, नॉन मेटल इंसुलेटर है। तो अगर ये नॉन मेटल है या इंसुलेटर है, ठीक है, तो नॉन मेटल या इंसुलेटर को जब पास लाओगे तो क्या होगा, देखो ये जो प्लस वाला है ये प्लस क्यू, ठीक है, इसके न्यूक्लियस और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल डेवलप कर लेगा, इक्वल एंड अपोजिट पोल डेवलप कर लेगा, या मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, नॉन मेटल के केस में, उसको बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, या डाइपोल डेवलप हो गया, ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है एक्चुअली नॉन मेटल में ऐसे कुछ होता है, डाइपोल डेवलप होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है इंसुलेटर में, तो ये इस टाइप का परफेक्ट शेप इस टाइप के, ये इसको पोलराइजेशन बोलते हैं कि मटेरियल पोलराइज हो गया, और वो वाली चीज़ यहाँ मैं लिख दिया हूँ, व्हेन चार्ज ब्रिंग क्लोजर टू द एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम एंड रिपल द न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगा, ठीक है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्लस क्यू एटम गेट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब फाइनली काम की बात करते हैं कि व्हेन द डाइपोल अलाइनमेंट दिस फिनोमिना कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ये वही है, वही चीज़ पहले वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस है तो ये नॉन मेटल के केस में इस तरह से डाइपोल डेवलप हो जाएगा, और ये इस वजह से आप बता सकते हो कि कोई भी चार्ज बॉडी है न्यूट्रल बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, किसके किसके बीच भाई, चार्ज और अनचार्ज बॉडी के। अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे वो ए है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। व्हेन टू चार्ज बॉडी आर एट लार्जर डिस्टेंस, ठीक है, सपोज कि एक टू चार्ज बॉडी है, बहुत ज़्यादा ये एक चार्ज बॉडी है, इस पर कुछ निगेटिव चार्ज है, देर आर सम निगेटिव चार्ज, ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है, जीरो, इसी को हमें चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है भाई, इंडक्शन का यूज करके, इंडक्शन मेथड का यूज करके इसको हमें चार्ज करना है, ठीक है, इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल प्रोटॉन बराबर है, इसलिए ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में क्या किए थे हम लोग, इसको इसके पास लाएंगे, ठीक है, तो चलो इसको इसके पास लाते हैं, तो दूसरे स्टेप में हम इसको पास लाए, चलो, ठीक है, वी ब्रिंग क्लोजर टू दिस, अगर मैं इसको पास लाया, किसको पास लाया, ठीक है, हमने क्या किया, जो अनचार्ज बॉडी थी उसको पास लाया, तो इस पे ये वाला जो एंड था, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ये वाला एंड था वो प्लस हो जाएगा और ये एंड वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो इंड्यूस चार्ज इस पे डेवलप हुआ, ये मान लो क्यू डैश डेवलप हो गया, इस पे क्यू था, तो ये जो क्यू डैश है वो लेस देन क्यू, क्योंकि के इज ग्रेटर देन वन, K इज़ नेवर लेस देन वन, ठीक है, K इज़ नेवर लेस देन वन या
निगेटिव, k की वैल्यू एक से कम नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती, ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो ये q बोले ये लिखना हमेशा रॉन्ग है, ठीक है, कि दैट q डैश इज ग्रेटर देन नेबर, दिस इज रॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखो समझो इसको। जब ये आप चार्ज वाली न्यूट्रल वाले के पास लाए न्यूट्रल बॉडी, तो ये क्या था, मेटल था, अज्यूम कर लेता हूँ मैं मेटल था, इसके इसके सरफेस पे क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे बहुत सारे थे, ठीक है। तो बहुत सारे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप ये निगेटिव वाला लाओगे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन और इस निगेटिव वाले में रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, दूर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें रिपल्सन होने लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे। कब तक मूव करेंगे भाई, कब तक ऐसा होता रहेगा, समझो इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, कब तक मूव करेंगे, जब तक एक स्टेट नहीं आ जाएगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट रुक जाएगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, एंड दैट मूवमेंट इज ड्यू टू, उसको बोलते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। क्यों भाई, क्यों, क्या रीजन है, उसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये क्या कर रहा है, रिपल करेगा, इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा रिपल्सन, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इधर गए, ठीक है, समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनमें इधर अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं एक्युमुलेटेड, तो ये भी तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब उन दोनों का फोर्स इस पर बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, उस वक्त इनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। कब तक मूव करेंगे, जब ये वाला इनके ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो मूव करेंगे, ठीक है। एक ऐसा समय आ जाएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया और मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये सब बहुत गहरे कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बेहतर तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ। अब चलो, अगर इनको दूर कर दोगे तो क्या कर दोगे, अब इनको दूर कर दोगे तो दोबारा बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, वही स्टेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं दूर नहीं किया, मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो एक काम करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, अर्थिंग दे दूँ, अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, तो अर्थ बहुत लार्ज, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का मान लेता हूँ सोर्स है, उससे अर्थ से इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ को फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे एरो लगाएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ को फ्लो हो गए, तो ये प्लस वाले ही बच जाएंगे, तो अगर प्लस वाले बच जाएंगे तो क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। फाइनली ये जो बॉडी है वो इसको हटाने के बाद इसके प्लस प्लस दूर इस तरह से फाइनली बॉडी परमानेंट चार्ज हो जाएगी, कुछ न कुछ बॉडी पे परमानेंट चार्ज आ जाएगा, इस तरह से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। चलो, जैसे ये इसमें मैं दिखाया हूँ कि यहाँ से जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे, अर्थ से ये वाले इलेक्ट्रॉन अर्थ को फ्लो कर गए, दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो टू अर्थ, नाउ दिस सिचुएशन बिकेम दिस, ठीक है, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, जब अर्थ को फ्लो हो गए तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, उसको मैं दूर कर लिया तो बॉडी इज बिकेम परमानेंट चार्ज, तो ये जो बॉडी बी थी उसी को चार्ज करना था और ये बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन, आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद है चार्जिंग बाई कंडक्शन, तो इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज डेवलप होगा, क्यों चार्ज डेवलप होगा, कब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों इस लेक्चर मेरा, मैं बहुत अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ, तो इस लेक्चर को आप अधिक से अधिक लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।